हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं? आप सबको एनकरेज करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मैं आपके सामने हमारे प्यारे से स्टूडेंट को लेके आया हूँ, पृथ्वीराज सिंह बैस, जो इंदौर से हैं। बोथ ग्रुप एक अटेम्प्ट मतलब दोनों ग्रुप सिंगल सिटिंग में बैठ के इन्होंने क्लियर किया है, और इनसे हम जानेंगे इनकी सफलता के राज। और मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज जो है मुझे एग्ज़ाम के लगभग 20 दिन पहले, 25 दिन पहले जब मैं इंदौर आया था तब ये मुझे मिले थे। उसके पहले ये मुझे सिर्फ यूट्यूब के थ्रू जानते थे। और पांचवा अटेम्प्ट, यस बच्चों, पांचवा अटेम्प्ट स्पेशली उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। पांचवे अटेम्प्ट में इन्होंने बोथ ग्रुप क्लियर किया। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि हिम्मत, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चों। लगे रहिए अपने सफर में, अपनी मंजिल में, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। बस चलना छोड़ना नहीं है आपको। सो पृथ्वीराज, ओवर टू यू बेटा। और पृथ्वीराज इंदौर से ही है, तो लेट्स सी इनकी जर्नी कैसी रही ये हम जानेंगे। थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं आपको, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलता हूँ, इतना सपोर्ट किया 5 अटेम्प्ट तक। मतलब कि बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं किया कि मतलब 4 अटेम्प्ट को लग गए, फिर से अटेम्प्ट क्यों दे रहा है, इस बार फिर से फेल क्यों हो गया। बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं किया, हमेशा बिल्कुल मतलब इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि मैं बता नहीं सकता वर्ड्स के कारण कैसे मैं मतलब बोलूँ, कैसे थैंक यू बोलूँ कि 4 अटेम्प्ट नहीं निकला। धीरे धीरे नंबर कम होते जा रहे थे, 1188, फिर 166, फिर 136, फिर अब जाके पास हुआ, 5 अटेम्प्ट लगे। पर एग्ज़ाम के 20 दिन पहले सर मिले मुझे, नॉर्मल डे था, मैं कहीं से आ रहा था, सर मिले एकदम से। तो मतलब मेरी तो किस्मत ही खुल गई कि दुष्यंत सर सामने थे इंदौर में। मैं मतलब सर को यूट्यूब से जानता था, सर निजीगढ़ में सर से पढ़ा हुआ था, कंपनी लॉ में सर के लेक्चर्स देखे थे मैंने यहाँ पे। पर मैं इसलिए नहीं ले पाया था क्योंकि मैं फेस टू फेस, मुझे ऐसा था कि मुझे फेस टू फेस क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो यहाँ पे पहले ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो वहाँ पे मैंने कुछ ही एक कोचिंग में बोथ ग्रुप लिया। पर वो CA CS सब साथ में पढ़ाते थे, तो वो CS में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, तो ना टेस्ट सीरीज ना कुछ, बस जो चल रहा है वो चल रहा है। दो तीन बच्चे पास हो रहे हैं, दो दो सौ बच्चों में से है, मुझे मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। मैं ऑनलाइन भी नहीं ले पा रहा था, फिर सेल्फ स्टडी करी मैंने, दो तीन अटेम्प्ट वो ऐसे निकल गए, तो मेरे नंबर और कम होते गए। फिर सर मिले, सर एग्ज़ाम वाले दिन भी सर सेंटर पे साथ में थे मेरे, इसी EVCL का पेपर था, सोगा सर पढ़ा रहे थे, क्या ही मोमेंट था। कंपनी लॉ की मैराथन सर की, कुछ कुछ टीचर से इतनी डिटेल में है वो मैराथन, आप एक बार गो थ्रू करिएगा। सर ने ली है मैराथन में, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। वो कुछ कुछ टीचर रेगुलर लेक्चर्स में भी सर नहीं पढ़ाया है उन्हें, कुछ कुछ पॉइंट्स इतने डिटेल में आपने मैराथन लिए, तो लेक्चर्स तो क्या ही होंगे। मतलब मैं वर्ड्स में उनको बता ही नहीं सकता कि बेअर्थ क्या होता है। मतलब 200-300 के नोट्स रहते हैं सर टीचर्स के, सर के 900 पेज के नोट से बेर एक्ट है पूरा, पहले बेर एक्ट लिखा हुआ है, पूरा मेंशन है जो भी लॉ। फिर नीचे सर के हैंड रिटन नोट्स है जो सर ने खुद एक एक पेज सर ने बनाया है, कैसे बनाया है। मैं थैंक यू नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कल तो सर का फोन आया, मैं रो रहा था, पेरेंट्स का फोन आ रहा, रो रहा था, क्या ही एक दिन में पूरी लाइफ चेंज हो गई। कैसे सर को थैंक यू बोलूँ कि सर ने इतना साथ दिया, मैराथन्स लिए। जीगल में हम रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मैराथन कर रहे थे। सर ने इतने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ कुछ तो ऐसे टॉपिक्स थे जो मैं मैराथन में पहली बार पढ़ रहा था, स्पेशल कोड, आर्बिट्रेशन, मेरे को पता ही नहीं था कि ये भी है चैप्टर में। ऐसे ऐसे मतलब ऐसे टॉपिक्स थे जो मैं मैराथन में पढ़ के गया था। मतलब अगर मैं मतलब सर से पहले मिला होता तो मैं फेस टू फेस दूसरे नए क्लासेस में ज्वाइन करता, पर मुझे ऑनलाइन लेना नहीं था इसलिए मैं ऑनलाइन गया नहीं, मैं फेस टू फेस में गया। तो वहाँ पे जो स्टोरी है आपको पता ही है, क्या मार्क्स थे उस समय। तो थैंक यू सर, एक और बार आपसे बोलने के लिए बोलता हूँ।
कुछ बच्चों कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो गई, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि यू नो व्हाट बच्चों, और डीजीसी सिर्फ जाना ही इसलिए जाता है कि हम उन बच्चों के ऊपर विशेषकर बहुत मेहनत करते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल पाया, सेकंड में नहीं निकल पाया। सो और हमारे यहाँ पे पता नहीं क्राउड भी, मतलब स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ मोस्टली वही आते हैं जो एक बार कहीं से उन्होंने क्लास ले लिया, दे वर नॉट सेटिस्फाइड। बट स्टिल बच्चों आप लोगों का विश्वास है, और मैं चाहता हूँ बेटा इस वीडियो के माध्यम से वो बच्चे जो पहले दूसरे तीसरे, मतलब घर वाले और पृथ्वी के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं, और डीजेसी खुलने में और डीजेसी की क्लासेस शुरू होने में बहुत स्ट्रगल किया मैंने भी बच्चों। मैं नवंबर में पुणे से यहाँ गया था, सो पृथ्वीराज ने मेरा बहुत साथ निभाया। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक स्टेटस भी डाला था व्हाट्सएप पे कि कभी कभी फरिश्ते स्टूडेंट्स बन के आ जाते हैं। जो बच्चे मेरे को जानते हैं शायद उन्होंने देखा होगा। तो वो दिन है जब इसने मेरे लिए इतना किया, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसकी सफलता में अगर मेरा 1% भी योगदान है तो मैं तो बहुत ज़्यादा सफलता अपने आप को कृतज्ञ मानता हूँ। और बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि पृथ्वीराज ने के पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के, कमी बेटे में नहीं है, कमी बेटी में नहीं है। अगर बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा है अच्छा, तो कमी बेटे या बेटी में नहीं है। कभी हालात ठीक नहीं होते, कभी किस्मत साथ नहीं देती, कभी ICSI की पे चेकिंग में गड़बड़ हो जाती है, कभी यू नो कभी वक्त बुरा चल रहा होता है। बेटा या बेटी खराब नहीं है, बस कैसा भी वक्त हो उसको सपोर्ट करें। और पृथ्वीराज पांचवें अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। मैं ये पांचवें अटेम्प्ट को थोड़ा सा ज़्यादा इंसिस्ट करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं हारना है, हमें लगे रहना है। पृथ्वीराज स्कोर कितना था? 408 406 406 था स्कोर था, दोनों ग्रुप क्लियर हुए। तो बस, और ऐसे बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ अभी इस सीरीज में, मिशन रीस्टार्ट सीरीज में लाता रहूँगा। बस आप बच्चों हिम्मत मत हारिए। तीसरा अटैम्प्ट था, चौथा अटैम्प्ट था, कई बच्चों का ये भी था कि पिछले अटैम्प्ट में मेरे 190 थे, इस अटैम्प्ट में मेरे 160 हैं, मैं और कई बच्चे निराशा में चले जाते हैं। सही बात। पिछले तेरे साथ भी ऐसा हुआ था? मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, 188 आया था मुझे। मैं बहुत ही नर्वस था कि 12 मार्क्स से मैं रह गया, फिर और कम हो गए तो कॉन्फिडेंस और लूज हो गया, फिर और कम हो गए कॉन्फिडेंस और लूज हो गया। तो बस मैं यही बोलूँगा कि क्विट मत करना, नहीं करना है, मतलब लगे रहना है। प्रोफेशनल कोर्स है, फेलियर तो 99% लोग देखते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, अपन भी देखेंगे, पर लगे रहना है, निकल जाएगा आराम से, सारी चीज़ें होगी, अच्छे मेंटर्स मिलेंगे सर के जैसे, तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। जैसे कि सर को मैं रात में मैसेजेस करता था डाउट के लिए, तो सर ऐसा नहीं बोलते थे कि मैंने तुझे पढ़ाया नहीं है या तू मेरी कोचिंग का है नहीं तो मैं इसके रिप्लाई क्यों दूँ। सर के वॉइस मैसेज आते थे मुझे, मैं जब भी डाउट पूछता था सर, मैं इमीडिएट सर के पास चले जाता था कि सर ये डाउट है, सर उसी वक्त क्लियर करते थे, इतने थॉरो सर का नॉलेज है। मतलब ये 2 महीने लास्ट के जो गए, पता नहीं क्या ही, मतलब भगवान ने कुछ लिखा था, कुछ हो गया। मतलब बोलना चाहता हूँ मैं कि बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए, ट्वीट मत करिए, ये कोर्स बहुत अच्छा है, जैसे कि सर बोलते हैं बहुत कुछ देता है लोगों को, लगे रहना है, बस ट्वीट नहीं करना है, यही बोलना चाहता हूँ। रियली ग्रेट बच्चों, और ये वीडियो देख के मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। सो पृथ्वीराज बेटा बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच, और गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बस पढ़ते रहिए।